तो अपना इतना हो गया था। अब एक काम करो, ये आईब्रोज अपन को थोड़ी और डार्क चाहिए, तो 10B पेंसिल लो। 10B पे एक बात ध्यान रखना, सेंटर से देखो, सेंटर से स्ट्रोक्स जा रहे हो, पूरा भरना नहीं है अपन को, बीच बीच में थोड़े थोड़े खाली खाली है। तो मैं सिर्फ 10B शार्प रखना अपनी, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगाते जाते, देखो जो बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है मैंने, तो ऐसे तुम भी स्ट्रोक्स लगाते जाओ। यहाँ ये आगे की तरफ आए, फिर सेम चीज़ ये नीचे नीचे की तरफ लगाते जाओ स्ट्रोक्स। ओके, और ये अपना हो गया। थोड़ा सा हल, ये जो आउटलाइन है ना आई की, ये थोड़ी डार्क करो, ये जो ऊपर वाली कवरिंग है ये डार्क करिए, थोड़े से ऐसे हल्के फुल्के पीछे की तरफ जाते हुए आईलैशेस बनाए। आउटलाइन दी अपन ने ये। अब मैंने एक चीज बोली लास्ट क्लास में कि अपन को ये डार्क करना है, तो हल्का हल्का ये ऊपर का हिस्सा डार्क करो, सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा, नीचे थोड़ा सा लाइट होगा। इस तरीके से अपन ने जो डार्क किया, ब्लेंडिंग स्टम्प लो आप अपना और ऊपर का हिस्सा डार्क करो, ब्लेंड करो, नीचे लाओ थोड़ा सा, बस। सेम चीज यहाँ पे भी करो, यहाँ पे भी हल्का सा 10B शेड करना है, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा डार्क नहीं। नीचे आते आते थोड़ा सा लाइट हो गया, ऊपर डार्क, थोड़ा नीचे आके लाइट हुआ, और फिर इसे भी अपन ने ऐसे ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अपने को एक बढ़िया सा ग्रेडियंट मिल जाता है आई में। यही सेम चीज अपन इस वाले बालों में भी कर सकते हैं, आई ब्राउज में। यहाँ पे पूरे नहीं कर भरने अपन को, देख सकते हो ऊपर ऊपर के थोड़े छोड़ देना, एकदम उतने ऊपर नहीं ले जाओ स्ट्रोक्स। बीच का जो पार्ट है ना वो डार्क रखो, पीछे जाते जाते एक दो स्ट्रोक्स आएंगे डार्क। ओके, तो इस तरीके से अपने आईब्राउज डार्क हो जाते हैं और अपनी आइरिस भी डार्क हो जाती हैं। अपन ने को थोड़ी सी आउटलाइनिंग यहाँ पे हल्की फुल्की दे दो, थोड़ी सी, बहुत लाइट लाइट, और ये हिस्सा शेड करके थोड़ा सा डार्क कर लो, ये ज़रूरत पड़ती है बाद में। ठीक है, तो इतना करो। तो फोरहेड वाले पोर्शन पे आओ। फोरहेड वाले पोर्शन पे अपन रेफरेंस पे देखो अगर, तो यहाँ पे 3 लेयर टाइप हो जाती है, इस बॉक्स में अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, लेकिन एक कॉमन डायरेक्शन पकड़ लो वर्टिकल। जैसे मेरे को सबसे सही रहता है कि एक वर्टिकल डायरेक्शन बेस लेयर टाइप डाल दो। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस एरिया में वर्टिकल डायरेक्शन डाल दूंगा, यहां से लेके एंड तक। ठीक है, फिर यहां से लेके ऊपर तक मैं पूरी में वर्टिकली वर्टिकल कर दूंगा। तो ये मैं बेस लेयर एक डाल दी। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि ये हिस्सा डार्क है इतना, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे डायगनल्स दिख रहे हैं और यहाँ पे भी डायगनल दिख रहे हैं, और ये वाला हिस्सा डार्क आता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा लाइट छूट रहा है, जैसे यहाँ वाला पोर्शन लाइट छूट रहा है, थोड़ा आईब्रो के ऊपर छूट रहा है। तो मैं वहाँ नहीं करूँगा, मुझे एक डायरेक्शन समझ में आ गई, जो ये आ रही थी अपनी, इसी को कंटिन्यू करते करते आगे ले जाएंगे। तो इसे आप थोड़ा पास कर दो, क्योंकि तुम्हें ये थोड़ी डार्क करनी है। तो ये अपन को पास कर दिए अपन ने इस तरीके से, और यहाँ आके मिक्स कर दिए ऐसे। थोड़ी ऊपर भी है, तो ऊपर वाले पोर्शन में अपन ने ऐसे मिक्स करना स्टार्ट किया। ठीक है, बीच बीच में देखो, जैसे ये वाला पोर्शन छोड़ना है तुम्हें, लेकिन एकदम खाली नहीं छोड़ सकते, तो हल्के हल्के पेंसिल पीछे पकड़ी और हल्के हल्के डायगोनल स्ट्रोक्स लगा दिए। ठीक है, ये वाला एरिया भी और डार्क होगा जब अपन हेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो एकदम अभी भरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला मेन अपना फेस के पार्ट वाला आता है, तो ये वाला हिस्सा बचता है अब अपना। तो अपन यहाँ पे भी दो तरीके से होंगे, ये वाला पोर्शन में थोड़े डार्क से डलेंगे, यहाँ पे आएंगे थोड़े लाइट, और फिर यहाँ पे आएंगे डार्क। तो कैसे होता है ये, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये डार्क चल रहे हैं, पास, ये थोड़े लाइट हुए, और फिर एकदम से डार्क नहीं करने लगना कि एकदम से डार्क। 3-4 स्ट्रोक्स लाइट हुए, फिर एक थोड़ा और डार्क, एक थोड़ा और डार्क, ऐसे डार्क करते करते यहाँ आ गए। अब अपन को एक चीज पता है कि ये लेफ्ट जितना अपन ने डार्क किया था, राइट उतना डार्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राइट थोड़ा लाइट पोर्शन में आता है, लेकिन तब भी कुछ एरियाज हैं, जैसे आईज वाले हो जाते हैं, ये वाला हो जाता, तो ये थोड़े डार्क हैं, तो यहाँ पे अब एक और डायरेक्शन जो ऐड कर रहा हूँ मैं अपोजिट डायगनल, ये थोड़े और पास पास आएंगी और ये अब डार्क होएंगी। और एकदम से नहीं छोड़ता मैं, एकदम से छोड़ूंगा तो अजीब लगता है। ठीक है, दो चार स्ट्रोक्स ऐसे लाइट लाइट करते हुए छोड़ने हैं अपन को। थोड़ा सा एरिया ये बचता है तो यहाँ पे तुम्हें डार्क स्ट्रोक्स लाने हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर ऊपर तक भी जाएगा बालों वाले पोर्शन में। अब एकदम से ऐसे छोड़ नहीं सकते, तुम्हें क्या करना है, ऐसे आए, ये डार्क आ रहा, ये आते आते धीरे धीरे यहाँ पे लाइट हो गया और ये ऐसे मिक्स हो गया। ठीक है, तो ब्लेंडिंग भी जरूरी होती है। एकदम से अपन डार्क को लाइट नहीं छोड़ देते कि डार्क कर रहा है और एकदम से छोड़ दिया, नहीं, उससे धीरे धीरे दो चार स्ट्रोक उससे थोड़े और लाइट बनाओ। तो इस तरीके से अपन ने फोरहेड करा। ठीक है, नोज जो है, ये वाला जो इधर पे हाईलाइट है, इधर पे जो हाईलाइट है उसे हल्का सा ड्रॉ करो। कोई ये मत करना कि एकदम बहुत बड़ा सा डार्क ओवल शेप बना दिए, ये हल्का सा ये ड्रॉ कर लो, ताकि तुम्हें सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ ये। फिर यहाँ पे जो हाईलाइट दिख रहा है तुम्हें आईज के नीचे, हल्का सा यहाँ ये ड्रॉ कर लो कि यहाँ पे हैचिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मैंने ये हल्के हल्के हाईलाइट्स ऐसे ड्रॉ कर दिए, मैं और डार्क नहीं कर रहा वरना वो दिखते हैं अजीब से। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो तुम्हें जो हैचिंग है वो इस डायरेक्शन में पास पास लानी है, वो तुम दूर दूर वाली अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ करना, क्योंकि अपन को 2 से 3 लेयर में ही नोज, ध्यान से देखो अगर तो पूरी फील्ड है, तो अपन को भी वही करना है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे से भी इसी डायरेक्शन में लाओ और ऊपर ज्वाइन करो तुम, तो थोड़ा से यहाँ इतना बड़ा कर दो। ठीक है, यहाँ पे आराम आराम से करो, धीरे धीरे करते जाओ। ठीक है, ये आईज तक भी एक्सटेंड कर दो इस तरीके से। ये एक लेयर होती है। ठीक है, यही सेम लेयर तुम्हें इस वाले पोर्शन को छोड़ के, इस वाले पोर्शन को छोड़ के पूरे में करनी है। ठीक है, धीरे धीरे इस तरीके से पूरा नोज फिल कर दो। ओके, ये फर्स्ट लेयर हो जाती है अपनी, ये वाला पोर्शन भी बचा है अपना, जो ऐसे धीरे धीरे ऐसे भी कर दो। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन बचता है, ये वाला, इसको भी इस तरीके से कर दो। एक बात ध्यान रखना, पूरा एक जैसे करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं होता है कोई परेशानी नहीं है, अपने पास सेकेंड लेयर रहती है हमेशा ऑप्शन में। ठीक है, तुमने ये डायरेक्शन पकड़ी, ये डायरेक्शन करते करते पीछे तक भी आ जाओ। जैसे ये अपन ने हाईलाइट बनाया था, ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरा पीछे पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये अपनी एक लेयर हो जाती है। तो पहले इतना कर लो, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अब तुम्हें ये डायरेक्शन ऐड करनी है परपेंडिकुलर इसके जो पहले अब इसे भी पास पास करो। ठीक है, और थोड़ा प्रेशर के साथ करने की कोशिश करो। यहाँ ज्वाइन हो गया, थोड़ा हल्के हल्के स्ट्रोक्स ऐसे ऊपर की तरफ भी मार सकते हो। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है पूरा एरिया। ये हुआ, फिर ये वाला एरिया आता है अपना, इसे भी पास पास करो प्रेशर के साथ, और ये अपनी नॉस्ट्रिल हो गई। फिर ये वाला पोर्शन जो आता है, इस पे किया। याद रखना जो अपन ने एरिया छोड़ा था ये वाला, उधर पे नहीं है कोई हैचिंग। ये हैचिंग करते करते तुम्हें अब आइस के ऊपर भी जाना है, याद रखना। तो यहाँ पे अब आइस के ऊपर जो आता है ये थोड़ा डार्क रहेगा, तो थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ यहाँ पे, एक बहुत नहीं बढ़ा देना। ठीक है, मॉडरेट रखो प्रेशर, और क्योंकि इसके बाद अपन एक और लेयर लगाएंगे तो उसे और डार्क करना है अपन, उससे डार्क हो जाएगा सफिशियंटली। ठीक है, तो ये करते करते अपन यहाँ आ गए। तो इस तरीके से अपन ने सेकेंड लेयर कर दी। अब थर्ड लेयर अपन की सबसे बढ़िया रहती है, या तो फर्स्ट लेयर वर्टिकल कर लो या थर्ड लेयर कर लो, जो तुम्हें समझ में है। तो मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और लेयर लगाऊंगा वर्टिकल लेयर, ठीक है, थोड़ी इस वाले लेफ्ट वाले पोर्शन में, और राइट वाले में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करते करते आया मैं, ये वर्टिकल हो गई मेरी, बसता ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये होता है, बचा ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या करो, थोड़ा डायगोनल, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल एकदम मत रखना, उसे थोड़ा सा डायगोनल बना दो, थोड़ी डायरेक्शन बदल के इस तरीके से, और धीरे से, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, हल्का फुल्का ही तुम्हें डालना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना हो जाता है। अभी ये भी अपना ये वाला हिस्से से ब्लेंड होगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हें जो डार्क दिख रहा है नीचे, वो थोड़ा शेडिंग का है, तो 10B पेंसिल लो, हल्का हल्का, ठीक है, ये नीचे का जो बेस है बहुत पीछे पेंसिल पकड़ के शेड करो, ठीक है, बहुत पीछे पेंसिल पकड़ के आराम आराम से ये नीचे का हिस्सा ऐसे शेड करो, ऐसे कर्व करने के लिए। यहाँ पे धीरे धीरे किया, और इस तरीके से अपनी जो नोज है वो हो जाती है, ठीक है। इससे को थोड़ा और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा ब्रश से उसे ब्लेंड कर दो थोड़ा सा, ठीक है, और ये अपना हो गया। तो इस तरीके से अपनी नोज कंप्लीट हो जाती है।